इंदौर के बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बावड़ी हादसे को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है, जहां कांग्रेसी भाजपा सांसद शंकर लालवानी पर इस पूरे मामले को घेरने में लगे हैं, तो वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कांग्रेस पर मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बावड़ी हादसे में लगे आरोपों को लेकर भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि मेरा किसी भी प्रकार से संरक्षण नहीं था। बावड़ी की स्लैब 35 साल पहले डाली गई थी, 35 साल पहले तुम्हें राजनीति में भी नहीं आया था, तो वहीं कांग्रेस को मौत पर राजनीति नहीं करने की नसीहत भी दी है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो विचार है कि राजनीतिक संरक्षण, कहीं भी राजनीतिक संरक्षण उसमें नहीं है। और दूसरा जो बात आ रही है कि अवैध निर्माण की, उसको मेरा संरक्षण है, कभी भी मैंने अवैध निर्माण पर संरक्षण नहीं दिया। और अगर कांग्रेस ही सिद्ध कर दे या कोई सिद्ध कर दे कि कोई दरोगा हो, कोई बिल्डिंग ऑफिसर हो, बीआई हो, अधिकारी हो, कमिश्नर हो, यहाँ तक कि महापौर, कि कभी मैंने अतिक्रमण हटाने के लिए रोका हो तो मैं दोषी हूँ। पर ये इस प्रकार की मौतों पर राजनीति जो कर रही है, कांग्रेस रोटियाँ सेक रही है, बहुत ही दुखद है कि कम से कम ऐसी मौतों पर संवेदनशील नहीं होकर हमको उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक खड़े रहना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जो स्लैब जहाँ हादसा हुआ, वह स्लैब जो वहाँ के समिति के जो ट्रस्टी सचिव हैं, पटेल जो हैं, उन्होंने ही बताया है कि ये 30-35 साल पहले स्लैब डली थी जहाँ पर हादसा हुआ। अब 35 साल पहले तो मैं राजनीति में था ही नहीं, तो मेरा संरक्षण कहाँ हुआ? वो जो बात कर रहे हैं, जो पास में मंदिर बन रहा था उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हादसा हुआ वो तो 35 साल पहले स्लैब डल चुकी थी। तो ये तो स्लैब किसने डाली, ये जाँच का विषय है। और जिसने स्लैब डाली और जो हादसा हुआ, हमने पहले दिन ही कहा था, उस मौके पर ही मैंने मीडिया के सामने भी कहा था, जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। सांसद दीदी से कोई सांसद दीदी ऑनलाइन है, कलेक्टर के पास सब फाइलें रहती है, आज से नहीं पहले से रहती है, मेरे से पहले भी जो सांसद है उनकी भी फाइलें जो हम लिखते हैं ऑनलाइन आता है, और उस सब पे कहीं भी सांसद दीदी पे वहाँ कोई भी राशि नहीं दी गई है। अच्छा। देखिए, जो ये बात आ रही है, मैं उस दिन रात को 1:45 बजे तक वहाँ था, दिन भर वहाँ था, जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया था। उसके बाद सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे तब भी मैं वहाँ पर था। और जो ये कार्यक्रम की बात आ रही है, एक शहीद परिवार को वहाँ बुलाया गया था भोपाल में, उस शहीद परिवार का कार्यक्रम था, तो एक सामाजिक तौर पर मैं शहीद परिवार के उसमें जो कार्यक्रम था उस समय मैं सम्मिलित हो गया था, लेकिन वहाँ पर भी हमने पहले श्रद्धांजलि दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी, माननीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने श्रद्धांजलि दी, और कोई हमने स्वागत नहीं कराया। तो ये कांग्रेस शहीदों पर भी राजनीति कर रही है, इस प्रकार का आचरण कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, और ये थोती राजनीति है। और मैं फिर कहता हूँ कि इस प्रकार मानवीय जो पहलू हैं उस पर ध्यान रखते हुए हमें संवेदनशील होना चाहिए और उनके साथ खड़े रहना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर बावड़ी हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। और घटनास्थल पर गया, बड़ी दुखद घटना है, किस प्रकार से अवैध निर्माण हुआ। वहाँ के लोगों से मैंने बैठ के चर्चा करी, सब चिल्ला रहे थे कि इसको, ये अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह जी आए थे, हमसे बात तक नहीं करी, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। माँ के दो बच्चे नहीं, दो बच्चों की माँ नहीं, और एक छोटी सी इंक्वायरी, और शिवराज सिंह को तसल्ली इस बात की है कि मैं इनको मुआवजा दे रहा हूं। और तब इसके बाद लीपापोती, कौन से बीजेपी नेता थे जिसके कारण ये अवैध निर्माण, जिसको दो दफे नोटिस मिला था नगर निगम से, तोड़ा नहीं गया। 37 लोग की मौत हुई। ये आज एक उदाहरण है कि कैसे प्रदेश चल रहा है। ये केवल एक घटना नहीं है, पर पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण है। कल हमारे साथियों को, संगीता, नरेंद्र, अभिषेक, ओम साहू, कुणाल, उमा शंकर को पुलिस ने बंद कर लिया, ले गए थाने,
बिठाए रखा, इसलिए हम इस पर केस चलाएंगे। ये आज इस स्तर पर उतर गए हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि जनता में इनका कितना विरोध है। 160 जगह विधानसभा क्षेत्रों में इनके विकास यात्रा का विरोध हुआ, ये तो सब मीडिया ने दिखाया, ये हालात है। तो आज बौखलाए हुए शिवराज, बौखलाए हुए उनके मंत्री अपने क्षेत्र में जाने से डरते हैं, बौखलाए हुए उनके विधायक, यही हथकंडे इनके पास बचे हैं। आपको बता दें कि रामनवमी पर बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 18 लोगों को बावड़ी से सुरक्षित बाहर भी निकाला गया था। इंदौर से नीरज बुरासी की रिपोर्ट।